हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं डिस्कशन करूंगा मणिपाल का मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे कर लेने से आप मणिपाल में मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला लोगे। इस बात का मैं गारंटी देता हूं, मेरे द्वारा दिए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो मणिपाल में 20 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन आप बना करके आओगे मैथमेटिक्स में। वो एनटीए टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो तो रिपीट ही होता है। मेरे टाइम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे भाई के टाइम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि तुम सभी को ऑलरेडी पता है मैं मणिपाल से हूं। मेरा दो दो भाई भी मणिपाल में है और मेरा बहुत सारा जूनियर भी मणिपाल में है। इस वीडियो को मैं कुछ कुछ जूनियर का हेल्प लेकर के बनाया हूं, जिसका की रैंक 26 था एक का, उस ट्रैकर का, उसे भी मैं वीडियो में अपने लाने का। और एक का रैंक था 113, एक का रैंक था 1300, एक का रैंक था 1700। देखो, अभी मैं मैथ्स का एनालिसिस किया हूं, एक से दो दिन के अंदर मैं ट्राई करूं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग में डिस्कस करने का। वो सब मेरे को स्क्रीनशॉट, मतलब क्या बताऊं मैं, चीटिंग तो हुआ ही था लास्ट टाइम, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताना चाहता हूं, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कैसे चीट करना है। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोले भैया आप डिसगाइड कर रहे हो, पर चलो वो सब अलग की बात है। मेरे को वो सब स्क्रीनशॉट भेजे थे, मेरे पास भी ऑलरेडी स्क्रीनशॉट था। 4-5 मॉक का एनालिसिस कर चुका हूं और जो एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, और मेरे जूनियर है वो सब ने मेरे को भी ऑलरेडी क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन था मैं क्वेश्चन तो शेयर नहीं करूंगा, अगर फिर भी तुम लोग का कमेंट रहा भैया आप मेरे को मॉक का जो स्क्रीनशॉट लिए वो भेज दो, तो मैं ट्राई करूंगा पर्सनली भेज देने का, ठीक है। पर मैं मतलब यहाँ ऑफिशियली नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद बताता हूँ, 3-4 बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दिए थे, वो सबसे डिस्कस किया हूँ। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मेरे को स्क्रीनशॉट अभी नहीं मिल रहा था, मैथमेटिक्स का मेरे को मिल गया है, ठीक है। उसी कारण से मैथमेटिक्स का बना दिया हूं, मैं ट्राई करूंगा 2 से 3, 4 से 5 दिन के अंदर मेरे लैपटॉप में कहीं ना कहीं पे होगा ही केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट, उस केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लग रहा हो कि भैया आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाओ। चलो मैं बताता हूँ किस किस चैप्टर को करना है, किसको किसको छोड़ देना है। जो मैं बता रहा हूँ उसे प्लीज फॉलो करना, अगर नहीं करोगे मतलब पहले का और सिस्टम जैसा था मणिपाल का, इधर पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, न्यू पैटर्न के ऊपर ही मैं डिस्कशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज इसे फॉलो करना, रिक्वेस्ट करता हूँ अगर मणिपाल में अच्छा रैंक चाहते हो तो। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ मेरा जूनियर जो है रैंक 26 एक का लाया, वो स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे हैं, लगभग 7th लाख है मणिपाल में सीएससी। एक का आपका 113 रैंक का था, 1300 था रैंक, लगभग 1700 लगभग 1794 रैंक था एग्जैक्ट, मेरे को याद साईनाथ नाम था उसका, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैं ट्राई करूंगा वो सबको अपने वीडियो में लाने का। देखो सेट एंड फंक्शन से अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन रहता है मेरा सेट एंड फंक्शन से, कौन कौन सा चैप्टर को मिला के बताता हूँ, सेट, रिलेशन, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सब करने के बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन रहेगा, इसका मतलब तुम इसे अभी क्या, देखो ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट नोट डाला हूं, ठीक है, वो शॉर्ट नोट को देख लो। शॉर्ट नोट देखने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन लगाना। टू बी ऑनेस्ट मणिपाल का क्वेश्चन इन बिटवीन हार्ड एंड इजी रहेगा, मॉडरेट के बीच में रहेगा क्वेश्चन, लगभग सही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज कर दिया गया। और एक बात मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, प्लीज इंग्लिश का सेक्शन को प्लीज अच्छा से ट्राई करना लाने का, उसमें मैक्स टू मैक्स मार्क्स आएगा, टेंस रहता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहता है, मैं ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग। इंग्लिश में तो फुल फुल मार्क्स आएगा, इस बार गारंटी देता हूं मैं, गारंटी 100%, ठीक है। मार्क्स कटेगा भी तुम्हारा, थोड़ा मैथ्स में कर सकता है और फिजिक्स में कर सकता है, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएगा, इस बार गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री वन ऑफ माय बेस्ट था, बेस्ट सब्जेक्ट था मेरा, उसमें हमेशा मेरा मैक्स टू मैक्स मार्क्स आया, मेरे पास सबका स्क्रीनशॉट है। केमिस्ट्री का वीडियो बनाने में 3 से 4 दिन मिलेगा, अगर मेरे को वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, मैं खुद ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देने का। उससे ज्यादा मैं क्या करूं, मतलब क्वेश्चन तो शो नहीं करूंगा मैं, वो क्वेश्चन को डिस्कस करने का ट्राई करूंगा, मेरे को अगर वीडियो में रिस्पॉन्स रहा तो। और मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, भैया का फैमिली को 2K तक पहुंचा दो, लगभग 1.5K तक हो गया है, 2K तक तुम लोग पहुंचा दो, रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, अलजेब्रा में क्या है तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक डिटरमिनेंट। देखो ये इस चीज में तुम क्या करना है, लगभग 5 क्वेश्चन तुम्हारा था अलजेब्रा से, अलजेब्रा से तुम्हारा 5 क्वेश्चन था, देख लो कितना ज्यादा वेटेज है। अब करना क्या है इसमें, बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो, क्या करना है छोड़ दो। और मेरा शॉर्ट नोट है, अगर इसको लगभग तुम बेसिक करना चाहते हो, बेसिक क्वेश्चन ही आता है इसमें, करना चाहते हो, मेरा फॉर्मूला नोट्स जो है मैं उसे अपलोड किया हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसे जाकर तुम कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स को करना है, ठीक है। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स करने के बाद सीक्वेंस सीरीज, ये दोनों के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिया हूं। उसके बाद लिनियर इनइक्वालिटी मत छोड़ना, भाई दो दो क्वेश्चन था, मॉक का बात कर रहा हूं, 3-4 मॉक टेस्ट का बात कर रहा हूं, दो दो क्वेश्चन लगभग सब में था तुम्हारा, लिनियर इनइक्वालिटी लॉन्ग लगा के था तुम्हारा, मैं ट्राई करूंगा उसे डिस्कस कर देने का अगर तुम लोग का रिस्पॉन्स रहा तो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चारों कर लो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं चारों कर लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल छोड़ दो। उसके बाद तुम इतना कर लेते हो, 5 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ अलजेब्रा से हो गया, तुम्हारा मतलब क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा इससे, इस बात गारंटी लो। उसका सेट रिलेशन से तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, एक रहेगा तुम्हारा सेट एंड रिलेशन फंक्शन से रहेगा तुम्हारा, एक रहेगा तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ये दोनों से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, गारंटी देता हूं। और नेट टाइप का जो क्वेश्चन है, मानो भगवान का वरदान है,
वो लगभग क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। मतलब क्या बताऊं, 4 से 5 मॉक मतलब मेरे जूनियर सब ने मेरे को भेजा, सबका मैं देखा हूं, लगभग सब में रिपीट हो रहा है। मैं वो रिपीटेड क्वेश्चन को ट्राई करूंगा तुम सभी तक ला देने का। लगभग जो वहां पे 5 क्वेश्चन है तुम्हारा, 20 मार्क्स उसमें उसको सेव कर सकते हो। लगभग 4 तो कंफर्म होगा ही तुम्हारा सेव, 16 मार्क्स तुम्हारा फिक्स हो ही जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैं डिस्कस करूं, स्ट्रेट लाइन सर्कल कर लो, स्ट्रेट लाइन सर्कल को रट लो मतलब अच्छा से तुम कर लो उसको। और मैं ये भी बताऊं कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं है मैथ्स में, इसके रिगार्डिंग मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। पर केमिस्ट्री का याद रखना, केमिस्ट्री वीडियो कुछ दिन में ही आएगा मेरा, पर केमिस्ट्री में जो मैं बताऊंगा उतना ही करके जाना, उससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का नॉर्मल फॉर्मूला देख लो मेरा, जो नोट्स में डाला हुआ उसे देख लो, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वेक्टर 3D करना है, उसको मत छोड़ना। उसके बाद कैलकुलस में आ जाओ, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन देख लेना, YouTube से किसी भी अच्छे टीचर का खोल करके लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी देख लो, अच्छा से देख लो। बेसिक क्वेश्चन था जो मेंस में आया है, इसका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी घुमा क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, देख लेना, यकीन नहीं होता जो बच्चा एग्जाम दे चुके उससे भी तुम पूछ सकते हो। उसके बाद AOD के ऊपर मैं बात करूं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एनसीईआरटी कर लो, कहां से करना है एनसीईआरटी कर लो, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एनसीईआरटी कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। और कैलकुलस से लगभग 4 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, सबसे ज्यादा वेटेज है तुम्हारा अलजेब्रा में 5 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तुम्हारा 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा कैलकुलस से तुम्हारा। उसके बाद इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से करना, डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी से करना है। उसके बाद मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन रहता है, अगर क्लास बोर्ड में हो तुम एनसीईआरटी किया हुआ है तेरा, हाँ तुम इसे अटेम्प्ट ले सकते हो, ना प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। उसके बाद देखो इसमें ना मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग रहता है, ये सबसे भी तुम्हारा 2 क्वेश्चन रहता है, मतलब ईयर बाय ईयर हमेशा 2 क्वेश्चन में रहा गया है। उसके बाद भैया आप लगभग जितना बताया उससे 17 क्वेश्चन हो गया। देखो 2-3 क्वेश्चन जो रहता है ना वो थोड़ा लॉजिकल बेसिस पे रहता है, टू बी ऑनेस्ट स्टैटिस्टिक्स से रह जाएगा, मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रह जाएगा, कोई बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस से तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा मतलब क्या बताऊं इधर उधर से रहेगा, उसमें तुम दिमाग लगा भी सकते हो, इजी तुम्हारा बन जाएगा ना फिर नहीं बनेगा। एक बात याद रखना, जो मैं बताया हूं तुम फॉलो करना। बोलो भैया अब ये बताओ मैं कहां से स्टार्ट करूं, अभी मैं कुछ नहीं किया, जेई मेंस का तैयारी कर रहा था, मेरा ड्रीम है मणिपाल में सीएससी लेना, 1K के अंदर रैंक लाना, विद स्कॉलरशिप पढ़ना, भैया क्या करूं। देखो सबसे पहले तुम क्या करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो, स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है, उसके बाद वेक्टर 3D, इतना कर लो, 4 क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाओ, लीनियर इनइक्वालिटी मत छोड़ना, लॉग वाला क्वेश्चन सब है, मैं ट्राई करूंगा उसे अपलोड कर देने का, या फिर तुम किसी भी यूट्यूब से अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मैट्रिक डिटरमिनेंट एनसीईआरटी करो, प्लीज एनसीईआरटी करो, उसके बाद मेरा नोट्स को तुम देखो। वो कर लेने के बाद कैलकुलस में आ जाओ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कर लो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है, जो मैं बताया हूं प्लीज उसे फॉलो करो, मैक्स टू मैक्स मार्क्स तुम्हारा आएगा। और बात रहा क्या भैया मॉक में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज उसे डाल दो, मैं ट्राई करूंगा उसे जल्द से जल्द डाल देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, ट्राई करना 1 से 2 दोस्त को शेयर करने का। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मणिपाल का प्लेसमेंट के रिगार्डिंग चाहिए। देखो मणिपाल का प्लेसमेंट के बारे में वही बच्चा बता पाएगा जो कि कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या इन्वायरमेंट है अंदर से, भैया मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर कैसा है, मंडल नया मणिपाल बैंगलोर में खुला वो कैसा है, मणिपाल सिक्किम कैसा है, मणिपाल मेन कैंपस कैसा है, किसी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, मतलब आई विल हेल्प यू। मतलब ये समझ कि मेरे से अच्छा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाएगा मणिपाल के रिगार्डिंग, मणिपाल में जो पढ़ रहे हो चाहे तुमको अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्राई करो इस वीडियो को 1 से 2 दोस्त को शेयर करने का, जिससे उसका भी हेल्प हो सके मेरा भी हेल्प हो सके। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाओ। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को बताना, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को बनाने में, और बच्चे लोग से मैं स्क्रीनशॉट से मंगवा रहा हूँ, वो लोग भी ऑलरेडी दे चुके थे, ठीक है, नहीं करना चाहिए मेरे को ये बात, पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे से मैं स्क्रीनशॉट मंगवा रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा उसे खुद डिस्कस कर देने का। चलो बस वीडियो को शेयर करो, मेरे को सपोर्ट करो, मैं भी तेरे को सपोर्ट करूंगा, इतना गारंटी देता हूँ, मणिपाल में लगभग 2-3 के अंदर तुम्हारा रैंक आएगा, मणिपाल मेन कैंपस सीएससी तेरे को मिल जाएगा। चलो थैंक यू।